सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। मौका था राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का, जिसमें शिरकत के दौरान सीएम सैनी ने हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ का कर्ज जो है वो माफ करने की घोषणा की है। अब कुल 24 फसलें सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी के चुनाव अभियान का शंखनाद भी हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में लगाई घोषणाओं की झड़ी। सीएम ने राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में की शिरकत। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ कर्ज माफ। अब तक 14 फसल एमएसपी पर खरीदती रही सूबे की सरकार, अब कुल 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। एक सप्ताह में दे दिए जाएंगे 2023 से पहले फसलों के प्राकृतिक आपदा के खराब की 137 करोड़ रुपए। 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त को हटाने का किया ऐलान। बिजली निगमों द्वारा अपने खर्च पर बदले जाएंगे खराब ट्रांसफार्मर। किसानों से नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क। सरपंचों को प्रशासनिक कार्य के लिए जाने पर 16 रुपए किलोमीटर की दर से TADA मिलेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे फॉर्म में नजर आए। सीएम ने जब घोषणाओं की झड़ी लगाई तो मौजूदा लोगों के चेहरे खिल गए। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के 133 करोड़ के बकाए की माफी का ऐलान किया। इसके साथ ही 10 नई फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की भी घोषणा की है, जिसके बाद अब हरियाणा सरकार किसानों से 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करेगी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद करती है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि साल 2023 से पहले फसलों की प्राकृतिक आपदा से खराबे की 137 करोड़ रुपए की सप्ताह में दे दिए जाएंगे। 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। 19 जुलाई को पुराने ट्यूबवेल के खराब होने पर दोबारा किसी और जगह पर बोर करना पड़ता है। उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त को हटा दिया गया है। किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों ने लगाए हैं, उनके खराब होने पर ये ट्रांसफार्मर बिजली निगम अपने खर्चे पर बदले जाएंगे और किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाले देश भर की सभी कंपनियां विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकेंगी। किसान किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर खरीद पाएंगे। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में बीजेपी की विजय शंखनाद रैली की शुरुआत रविवार को हुई। इस दौरान महारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम कुरुक्षेत्र से चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। 90 की 90 सीटों के साथ विधानसभा की भव्य रैली करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ये जन सैलाब हमारी नीतियों पर आपका विश्वास दिख रहा है। इस पावन धारा से गीता का ज्ञान दिया गया है। हमने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। हमने गरीबों को लाभ पहुंचाया है। हमने बिचौलियों प्रथा खत्म की है। कहा, हमने भेदभाव दूर करके विकसित हरियाणा का निर्माण किया है। कांग्रेस के समय पर जातिवाद क्षेत्रवाद फैल रहा था, आज हर हरियाणवी का सपना साकार हो रहा है। हमने नए हरियाणा को नया आकार दिया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि ट्यूबवेल बनाने वाली सभी 3 स्टार कंपनियां हरियाणा में आएंगी।
किसानों का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार का ऋण माफ किया जाएगा। किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। ट्रांसफार्मर बदलने पर खर्चा किसानों से नहीं लिया जाएगा। 137 करोड़ की मुआवजा राशि अगले हफ्ते में दे दी जाएगी। कांग्रेस काल्पनिक आंकड़ों पर झूठ फैला रही है। कांग्रेस को ई गवर्नेंस से परेशानी है। यह गवर्नर से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। कांग्रेस लगातार पोर्टल विरोधी बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।